हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, हम किंगडम मोनेरा पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, उसके बाद प्रोटिस्टा पढ़ चुके हैं, उसके बाद क्या कौन सा किंगडम आता है? फंजाई आता है। क्या आता है? फंजाई आता है। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे किंगडम फंजाई। आपको पता है फंजाई किंगडम को माइकोटा किंगडम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोटा किंगडम या किंगडम माइकोटा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा फंजाई। इसको कौन सा किंगडम कहते हैं? माइकोटा किंगडम। क्या? माइकोटा किंगडम या किंगडम फंजाई। फंजाई की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। क्यों कहते हैं सर फंजाई के स्टडी को माइकोलॉजी? क्योंकि इसका जो बॉडी होता है ना, इसका जो टिश्यू होता है, उसको कहते हैं माइसीलियम। क्या कहते हैं? माइसीलियम। तो माइसीलियम से ले लिए माइकोलॉजी। क्या ले लिए? माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? माइकेली है। कौन है? माइकेली। धीरे धीरे सबको देखते हैं। पहला पॉइंट दीजिएगा स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई क्या होता है? माइकोलॉजी होता है। क्या होता है भाई? माइकोलॉजी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? जो फंजाई की बहुत सारे स्टडी किए, वो है माइकेली। क्यों है? माइकेली, बस एम एम आ रहा है, MICHELI, माइकेली। ठीक है, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? माइकेली है। कौन है? माइकेली। फंजाई जो है ना, वो कैसे ऑर्गेनिज्म है? फंजाई मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे? एक बार मेरे साथ फिर से, कैसे होते हैं? फंजाई मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेगा फंजाई आर मल्टी सेलुलर। फंजाई आर मल्टी सेलुलर यू कैरियोटिक फंजाई आर मल्टी सेलुलर यू कैरियोटिक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। क्या? हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर यू कैरियोटिक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या? हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन एक फंजाई ऐसा है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, लेकिन उसको प्रोटिस्टा में नहीं रखे हैं। किसमें रखे हैं? किंगडम फंजाई में रखे हैं। क्यों? क्योंकि इसका रिप्रोडक्टिव फेज है ना, रिप्रोडक्टिव साइकिल है, वो किससे मिलता है? फंजाई से मिलता है। इसलिए एक्सेप्शनली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई है। क्या? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई है। और उस यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई को किंगडम फंजाई में ही रखे हैं, माइकोटा में रखे हैं, प्रोटिस्टा में नहीं रखे हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट, तो फंजाई जनरली कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक और हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, लेकिन एक फंजाई ऐसा है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। आपको पता है बचपन से क्या? ईस्ट, एक्सेप्ट ईस्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। कैसे होते हैं भाई? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो फंजाई है ना, ये यूनिक किंगडम है इसका, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का। इसका हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म यूनिक क्यों है? क्योंकि इसका मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक जो है ना, मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ये सैप्रोफाइटिक हो सकता है और पैरासाइटिक हो सकता है। क्या हो सकता है? सैप्रोफाइटिक हो सकता है और पैरासिटिक होता है, और कभी कभी ये सिम्बायोटिक भी होता है। क्या होता है? सिम्बायोटिक भी होता है। इसका जो मॉर्फोलॉजी है और जो हैबिटेट है, वो ग्रेट डाइवर्सिटी का होता है। मतलब इसका जो मॉर्फोलॉजी है और इसका जो आवास है, ये जहाँ पे रहता है, इसका डाइवर्सिटी बहुत है। देखो, मेटाबोलिकली मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया। कौन है भाई? बैक्टीरिया। लेकिन मॉर्फोलॉजिकली एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजिकली एंड हैबिटेट मोस्ट डाइवर्सिटी
ऑर्गेनिज्म, मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन है, तो वो होगा फंजाई। क्या हुआ? फंजाई। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, मेटाबोलिकली मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन है, या इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है लेकिन उसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, वो कौन होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, किंगडम मोनेरा वाले आते हैं। लेकिन वैसे ऑर्गेनिज्म जिसका मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी बहुत ज्यादा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रूप में वो प्रेजेंट होते हैं, देखेंगे थोड़ी देर में, और जो जिसके डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट होते हैं वो कौन हो गए? वो हो गए फंजाई। कौन से हो गए? फंजाई। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो क्या है? यूनिक किंगडम ऑफ क्या? यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे क्या, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन, हाँ भाई क्या, इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, इन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब पता है ना, एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड हैबिटेट, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये पूछा जा चुका है कि भाई मॉर्फोलॉजी सबसे ज्यादा किसका होता है, कैसे ऑर्गेनिज्म का होता है, आंसर जाता है किसका होता है? फंजाई का होता है। किसका होता है? फंजाई का होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में आपको पता है ये जो फंजाई है ना, ये कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म है। कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म, कॉस्मोपॉलिटन कहने का मतलब है ये एयर में भी प्रेजेंट रहेगा, वाटर में भी प्रेजेंट रहेगा, सॉइल में भी प्रेजेंट रहेगा, डिफरेंट एनिमल और डिफरेंट प्लांट में भी ये प्रेजेंट रहता है। ये ग्रो कहाँ करता है? तो ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे ग्रो करता है। कहाँ पे ग्रो करता है? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे ग्रो करता है। क्लियर? अब आपके मन में बात आएगा कि जब सब जगह रहता है तो क्या फ्रिज में भी रहता है फंजाई? बिल्कुल, फंजाई फ्रिज में भी रहता है, ठीक है, लो टेम्परेचर पर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वहां पे ये इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। अगर आप दाल चावल को किचन में ही छोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर मिल्क को किचन में ही रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा, उसमें फंगल ग्रोथ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको फ्रिज में रखते हैं तो वहां पर फंगल ग्रोथ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिज में फंजाई नहीं है। फ्रिज में भी फंजाई है, लेकिन क्या है वहां पे? फंजाई का जो एंजाइम्स होता है वो लो टेम्परेचर पे क्या होता है? इनएक्टिव होता है। क्या होता है? इनएक्टिव होता है। फंजाई अपना एक्टिविटी कब दिखाता है? वार्म टेम्परेचर पे। कब? वार्म टेम्परेचर पे। समझ में आ गया? तो लो टेम्परेचर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनका एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाता है। क्या? इनएक्टिव हो जाता है। इसलिए रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ फूड खराब नहीं होता है, और अगर आप उसको बाहर रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे क्या, ये कॉस्मोपॉलिटन कहने का मतलब है इसका हैबिटेट जो है ना वो कॉस्मोपॉलिटन है। क्या भाई? हैबिटेट क्या है? कॉस्मोपॉलिटन क्या है? कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म होता है। ये कहां प्रेजेंट होते हैं? नेक्स्ट पॉइंट में लिखूंगे, अकर्स इन ये एयर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, हाँ भाई, और कहां में प्रेजेंट होंगे? सॉइल में प्रेजेंट होंगे, एनिमल में प्रेजेंट होंगे, ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट एनिमल में प्रेजेंट होता है, ये डिफरेंट प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है। तो ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ये ग्रो करते हैं कहाँ पे? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे। कहाँ पे ग्रो करते हैं? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे ग्रो करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। क्लियर? कहां पे ग्रो करते हैं? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे ही ग्रो करते हैं। क्लियर? चलिए, ये मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, एक बार देखते हैं।
एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़ना है इस लेक्चर के बाद, क्लियर है संजाई वाले को? अच्छा, आप मोयरा और प्रोटिस्टा ये सब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, बार बार एनसीईआरटी से पढ़ते रहना है, क्योंकि 9 इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं समझ में आए आप उसको पूछिए, और ये भी हम आपको बार बार कहते हैं, क्लियर है? सबसे अच्छा बात है कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बढ़िया है, क्वेश्चन कीजिए। ऐसे ही कुछ बोर्ड पैटर्न के भी क्वेश्चन कीजिए, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कीजिए, मतलब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, तब भी आपको देखो सब्जेक्टिव करने से क्या होता है ना, चैप्टर पे कमांड आता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव के लिए सर सोर्स क्या होगा, सब्जेक्टिव के लिए सबसे बढ़िया सोर्स है एनसीईआरटी, क्या है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कीजिए आपसे होंगे, क्लियर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, कुछ सीट के क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। बहुत सारे सीट में आउट ऑफ सिलेबस का मटेरियल दिया हुआ है, जिससे 10 साल से किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, समझ में आ गया, तो उसको भी इग्नोर करके चलते हैं। क्योंकि देखो मेडिकल एग्जाम में अगर सेलेक्ट होना है तो सेलेक्टेड पढ़ना हो, ठीक है। जैसे फंजाई हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, इसका कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, नहीं समझ में आ गया, ये इंडलेस स्कोप है यहाँ पे, तो आपको एक फिक्स बाउंड्री में रह के पढ़ना होगा। क्यों सर, क्यों पढ़ना होगा फिक्स बाउंड्री में रह के? क्योंकि पढ़ना बड़ा बात नहीं है, जब एग्जाम आएगा तो उस समय रिविजन करना बहुत बड़ा बात है, और रिविजन वही हो पाएगा क्या, जो जब आप सिलेक्टेड पढ़िएगा, समझ में आ गया। और सिलेक्टेड में सबसे बढ़िया सिलेक्शन है एनसीईआरटी, पिछले 10 साल से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आ रहा है, एनसीईआरटी से आ रहा है, तो इस बार भी कहाँ से आएगा, एनसीईआरटी से आएगा, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए इधर उधर के सोर्स पे ध्यान नहीं दीजिए, एनसीईआरटी आप जितने बार पढ़ सकते हैं उतने बार आप पढ़िए, समझ में आ गया। लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए, क्वेश्चन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कीजिए, सफिशियंट है बोर्ड के लिए भी आपके और नीट के लिए। चलो देखते हैं आगे, ये जो फंजाई है, ये एज अ मॉल्ड ग्रो करता है, क्या मॉल्ड, क्या एज अ मॉल्ड ग्रो करता है, देख कर ये लकड़ी वगैरह जो होता है ना उसपे ऑरेंज रोट बनाता है, क्या ऑरेंज कलर का ग्रोथ करता है, देखते हो गए छत पे बहुत दिन से लकड़ी वगैरह पड़ा हुआ है, बारिश वगैरह आता है ना तो उसपे ऑरेंज ऑरेंज कलर का ग्रोथ हो जाता है, वो ऑरेंज कलर का जो ग्रोथ है वो क्या है, ऑरेंज कलर वाला वो फंजाई है, क्या है फंजाई, वो लकड़ी को सरा रहा है, कैसे अपना ग्रोथ करके, फंगल ग्रोथ करके, जिसको बोलते हैं रोटेनिंग का मतलब होता है सड़ना, ठीक है। तो ऑरेंज रोट, क्लियर, तो फंजाई ऑरेंज रोट के फॉर्म में भी, कुछ फंजाई होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं, जैसे मशरूम, क्या मशरूम, क्लियर है। कुछ फंजाई होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, क्या होते हैं, ये इडिबल फंजाई है, मशरूम क्या भाई, इडिबल फंजाई है। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जैसे टोड स्टूल्स, क्या टोड स्टूल, क्लियर। ये फंजाई क्या होते हैं भाई, पॉइजनस होते हैं, क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं थोड़े शोर के बाद, कुछ फंजाई होते हैं जो मस्टर्ड पे ग्रो करते हैं और व्हाइट कलर के होते हैं, कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा व्हाइट स्पॉट ऑफ मस्टर्ड, क्या व्हाइट स्पॉट ऑफ मस्टर्ड, ठीक है, क्या व्हाइट स्पॉट ऑफ मस्टर्ड, एल्ब्यूगो कैंडिडा, क्या होते हैं ये, एल्ब्यूगो कैंडिडा होते हैं। नेक्स्ट ब्लैक रस्ट ऑफ फंजाई होता है, क्या होता है, ब्लैक रस्ट ऑफ फंजाई होता है, कुछ व्हाइट कलर का होता है मॉर्फोलॉजिकली और कुछ ब्लैक कलर का भी होता है, जिसको कहते हैं ब्लैक रस्ट, क्या कहते हैं भाई, ब्लैक रस्ट ऑफ वी, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, पता है ना रस्ट का मतलब क्या होता है, रस्ट का मतलब होता है जंग लग जाना, समझ में आ गया, जैसे लोहा पे जंग लग जाता है ना, वैसे ही वीट के लीफ पे ऐसा लगता है कि जंग लग गया है, ठीक है, उस पर रस्टिंग हो जाती है, काला काला कलर का, ब्लैक ब्लैक कलर का, तो ब्लैक रस्ट ऑफ वीट कौन करता है, कौन, पक्सीनिया करता है, कौन, पक्सीनिया,
एलबीओ का कैंडिडेट, आप नाम का बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आपको सारा नाम याद होगा, बक्सिमिया एलबीओ कैंडिडेट ये सब कुछ आपको याद होगा, समझ में आ गया। जैसे जैसे याद कराने का समय आएगा हम कराते जाएंगे। तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कौन कॉज करता है, बक्सिमिया, मतलब ये कर सुन लो। व्हाइट स्पॉट ऑफ मस्टर्ड कौन करता है कॉज, एलबीओ कैंडिडा। ठीक है, पढ़ने का सही तरीका है कि आपके पास अभी कॉपी और पेन होना चाहिए, समझ में आ गया, और कुछ कुछ आप लिखते रहिए और पढ़ते रहिए, समझ में आ गया, बाकी नोट से देख के अपना फेयर बाद में कीजिए। चलिए नेक्स्ट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पक्सिनिया, उसके बाद क्या आ जाए भाई, इक्टोपैरासाइटन एनिमल। ये क्या हो सकते हैं, इक्टोपैरासाइटन एनिमल हो सकते हैं, पैरासाइट के ऊपर एनिमल, एनिमल्स के ऊपर पैरासाइट हो सकते हैं, इक्टोपैरासाइटन एनिमल। तो ना इक्टोपैरासाइटन एनिमल कहने का मतलब है, इक्टो का मतलब होता है ऑन द सर्फेस, ठीक है, ये एनिमल्स के बॉडी पे ऊपर पैरासाइट हो सकते हैं, जैसे जो भी इचिंग वगैरह होता है ना, रिंग वॉर्म होता है, जो इचिंग होता है, स्किन डिजीज होता है, जो रैसेस होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, फंजाई के कारण। ये जो डैंड्रफ होता है ना बाल पे, वो भी क्या है, वो भी फंजाई है, क्या है, फंजाई है, समझ में आ गया। तो डैंड्रफ भी फंजाई है, और वो सब क्या है हमारे बॉडी पे, पैरासाइट है, क्या है, पैरासाइट है, हमसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो एक तो पैरासाइट ऑन एनिमल्स हो सकते हैं, चलिए उसके अलावा ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है एक्सेप्शनली, जैसे कि ईस्ट, क्या ईस्ट, ईस्ट का काम क्या है, ये ब्रेड और बियर बनाने में हेल्प करता है। उसके अलावा ये एनिमल में एक तो पैरासाइट हो सकते हैं, ये रिंग वॉर्म कॉज करते हैं, क्या कॉज करते हैं, रिंग वॉर्म कॉज करते हैं। उसके अलावा ये सिम्बायोन्ट्स भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, उसके अलावा ये क्या हो सकते हैं भाई, सिम्बायोन्ट्स भी हो सकते हैं, क्या, सिम्बायोन्ट्स भी हो सकते हैं, मतलब ये ऐसा सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। आपको पता है एल्गी और फंजाई मिलकर क्या बनाता है, लाइकेन बनाता है, क्या बनाता है, लाइकेन बनाता है। तो फंजाई सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म के जैसा भी शो कर सकता है, क्लियर है, देखेंगे आगे कि लाइकेन क्या होता है, सिम्बायोटिक, ये सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, एल्गी और फंजाई जो मिलकर क्या बनाता है, लाइकेन बनाता है, क्या बनाता है, लाइकेन्स को बनाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। जो फंजाई का बॉडी है ना, फंजाई का बॉडी, ये बहुत सारे फंगल सेल से मिलकर बना होता है, क्या, बहुत सारे फंगल सेल से मिलकर बना होता है, और फंगल सेल्स को कहते हैं हाइफी, क्या कहते हैं, हाइफी, क्या कहते हैं, हाइफी, एच वाई पी एच ए, ये फंगल सेल को क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं, और बहुत सारा हाइफा मिलकर क्या बनाता है, माइसीलियम बनाता है, क्या बनाता है, माइसीलियम बनाता है, बहुत सारा हाइफा मिलकर क्या बनाता है, माइसीलियम को बनाता है। तो हाइफा क्या है, फंगल सेल है, क्या भाई, फंगल सेल, और माइसीलियम क्या है, फंगल टिश्यू, क्या है, फंगल टिश्यू। तो बहुत सारा हाइफा मिलकर क्या बनाता है, माइसीलियम को बनाता है, और बहुत सारा माइसीलियम मिलकर क्या बनाता है, बोलो ना, फंजाई को बनाता है, किसको बनाता है, फंजाई को बनाता है। तो हाइफा क्या है, फंगल सेल है, माइसीलियम क्या है, फंगल टिश्यू है। ये सब भी क्वेश्चन आता है कि हाइफा क्या है, आपको जवाब देना होगा फंगल सेल है, माइसीलियम क्या है, फंगल टिश्यू है, यानी जो फंजाई का बॉडी है, जैसे हमारा बॉडी किसका बना हुआ है, बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है, वैसे ही फंजाई का बॉडी है वो किसका बना हुआ है, बहुत सारे, बोलो ना, फंजाई के सेल को क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं, अगर प्लूरल है तो हाइफी और सिंगुलर है तो हाइफा, क्या, हाइफा। तो फंजाई के सेल को क्या कहते हैं, हाइफा। तो हमारा बॉडी किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है, ऐसे फंजाई का बॉडी किसका बना हुआ है, बहुत सारे हाइफी का बना हुआ है, या बहुत सारे हाइफा का बना हुआ है, क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे क्या, बॉडी ऑफ फंजाई कंसिस्ट ऑफ, बॉडी ऑफ फंजाई कंसिस्ट ऑफ, हाँ, बॉडी ऑफ फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बॉडी ऑफ फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, क्या कहते हैं इसको, कॉल्ड हाइफी, क्लियर है, क्या कहते हैं, हाइफी।
जो फंजाई का बॉडी होता है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफी। ये जो हाइफी है ना, फंगल सेल होता है, ये आपस में फ्यूज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आपस में फ्यूज हो सकते हैं, और किसी भी तरह का दो सेल के बीच सेप्टा नहीं होगा, और ये आपस में सेप्टेड भी हो सकते हैं। मतलब ये तो दो सेल होंगे और दो सेल के बीच में क्या होगा, सेप्टा होगा। क्या होगा भाई? सेप्टा होगा। ये सब क्या होगा? क्रॉस वॉल होगा। तो हाइफा दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं सेप्टेट और दूसरे को बोलते हैं ए सेप्टेट, या सेप्टेट और ए सेप्टेट। तो हाइफा कितनी तरह होता है? दो तरह का हो गया, ए सेप्टेट और दूसरा हो गया सेप्टेट या सेप्टेट। ए सेप्टेट एंड सेप्टेट हो गया। ए सेप्टेट में क्या होगा? दो सेल फ्यूज होगा आपस में, और क्रॉस वॉल जो होता है ना, ये क्रॉस वॉल ये डिसॉल्व हो जाएगा। ये क्रॉस वॉल है, ये डिसॉल्व हो जाता है। ऐसा लगता है कि जो हाइफा है ना, ये मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन है। क्या है? मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन में एक ही सेल है और इसमें बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियस है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि सेल का फ्यूजन हुआ है, और सेल के फ्यूजन से, दो सेल के फ्यूजन से जो क्रॉस वॉल है दोनों सेल के बीच में, जो वॉल है वो क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। क्या हो चुका है? डिसॉल्व हो चुका है। क्लियर है? तो इसमें लिखेंगे एसेप्टेट फंजाई में क्या लिखे, कंटिन्यूअस ट्यूब। एसेप्टेट हाइफा कैसा होता है? कंटिन्यूअस ट्यूब होता है। क्या होता है भाई? कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ऐसा लगता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से ये फिल्ड है। इस कंडीशन को कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी। क्या कहते हैं? क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? तो ये जो हाइफा होता है ये दो तरह का होता है, एसेप्टेट और सेप्टेट। एसेप्टेट जो होता है वो कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा लगता है कि ये जो हाइफा है ना वो एक ही सेल से बन के बना हुआ है, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है। तो मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन को, सेल फ्यूजन के कारण जो मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन बनता है उसको क्या कहते हैं? सिनोसेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोसेटिक कंडीशन कहते हैं। तो सिनोसेटिक हाइफा। नेक्स्ट सेप्टेट हाइफा में क्या होता है? फंजाई है, फंजाई है या फिर हाइफा है, हाइफी है क्या? क्रॉस वॉल। हाइफा के पास क्या होता है? क्रॉस वॉल। फंजाई है क्रॉस वॉल और सेप्टा इन देयर हाइफा, और सेप्टा इन देयर हाइफा। अगर फंजाई कर देता, अगर ये फंजाई है ना, तो फंजाई के हाइफा के बीच में क्या होता है? क्रॉस वॉल होता है। तो ऐसा लगता है एक हाइफा में कितने न्यूक्लियस है? एक न्यूक्लियस है। कितना है? एक न्यूक्लियस। क्लियर है? तो बहुत सारे हाइफी किससे मिलकर बने हुए? बहुत सारे हाइफी मिलके क्या बनाते हैं? माइसीलियम को बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? माइसीलियम को बनाते हैं। ये सब चीज आपको याद रखना है, हाइफा क्या है और माइसीलियम क्या है। बहुत सारे हाइफी मिलके क्या बनाते हैं बोलो ना? बहुत सारे डिफरेंट हाइफी मिलके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? माइसीलियम को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माइसीलियम। और माइसीलियम क्या है? माइसीलियम क्या है? टिश्यू ऑफ फंजाई है। क्या है? टिश्यू ऑफ फंजाई है। क्लियर है? नेक्स्ट सेल वॉल। ये जो फंजाई है ना, फंजाई इसका सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, और पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। किसका बना होता है? काइटीन का बना होता है, और पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सेल वॉल किसका बना होता है? काइटीन प्लस पॉलीसेकेराइड का बना होता है।
तो इसका जो सेल वॉल होता है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा सेल वॉल, वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, प्लस किसका बना होता है? सेल वॉल काइटिन का बना होता है, प्लस पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, किसका? पॉलीसेकेराइड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका जो पॉलीसेकेराइड होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड होता है। क्या? नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। और नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड का नाम तुमको याद है क्या? ना, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। क्या? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इसके पास एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड नहीं होता है, नाम नहीं होता है, क्या होता है? सिर्फ नाक होता है। सुनना भाई बात को ध्यान से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड किसके पास पाया जाता है, और ऑप्शन में नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड वाला सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है? और ऑप्शन में बैक्टीरिया नहीं रहेगा, फंजाई रहेगा। तो क्या आंसर चला जाएगा? फंजाई। क्या चला जाएगा? फंजाई। क्लियर है? सिंपल आपसे पूछे कि भाई फंजाई का सेल वॉल किसका बना होता है, तब आंसर क्या जाता है? तब आंसर जाता है काइटिन। क्या? काइटिन। क्योंकि काइटिन का अमाउंट जो होता है ना, वो ज्यादा होता है। क्लियर है? तो फंजाई का सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, और इन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यानी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का बना होता है, ठीक है? लेकिन ज्यादा फेमस क्या है? ज्यादा फेमस है काइटिन। क्या भाई? काइटिन। सिंपली आपसे कोई पूछे भाई कि सेल वॉल फंजाई का किसका बना होता है, तो आपको जवाब देना है काइटिन और पॉलीसेकेराइड। समझ में आ गया? पॉलीसेकेराइड में भी कौन सा पॉलीसेकेराइड? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। क्या? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। लेकिन आप बहुत जगह पढ़िएगा कि फंजाई का सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, बस सिर्फ काइटिन ही लिखा रहता है, ठीक है? तो वो भी ठीक है, ये ज्यादा फेमस है। समझ में आ गया? तो किसका बना होता है सेल वॉल फंजाई का? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। क्लियर है? चलिए, फंजाई का सेल वॉल जो होता है वो नॉन सेलुलोजिक होता है, सेलुलोज कहीं से भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता है, काइटिन प्रेजेंट होता है, और पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन के फॉर्म में। अब हम देखते हैं मोस्ट ऑफ फंजाई जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं। मोस्ट ऑफ फंजाई क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं। मोस्ट ऑफ फंजाई क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप। हम क्या बोल रहे हैं? मोस्ट ऑफ फंजाई हेटरोट्रॉप होते हैं, यानी कुछ ऑटोट्रॉप होते हैं। ना भाई, ऑटोट्रॉप नहीं होते, कोई भी फंजाई ऑटोट्रॉप नहीं होता है। समझ में आ गया? सुनना भाई, मोस्ट ऑफ फंजाई ऑटोट्रॉप नहीं होते। क्या बोल रहे थे? मोस्ट ऑफ फंजाई क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप होते हैं। मोस्ट ऑफ फंजाई क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप होते हैं, यानी कुछ फंजाई हेटरोट्रॉप के अलावा कुछ और होते हैं। समझ में आया? और वो कुछ फंजाई क्या होते हैं? सिम्बायोन्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? सिम्बायोन्ट्स होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ऑल फंजाई हेटरोट्रॉप या मोस्ट ऑफ द फंजाई हेटरोट्रॉप, मोस्ट ऑफ द फंजाई हेटरोट्रॉप होते हैं, और कुछ फंजाई सिम्बायोन्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? सिम्बायोन्ट्स होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको कहते हैं सिम्बायोन्ट्स। क्या कहते हैं? सिम्बायोन्ट्स, ठीक है? जिसमें म्यूचुअली दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होता है? बेनिफिट होता है, उसको कहते हैं सिम्बायोन्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ फंजाई जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप। तो मोस्ट ऑफ फंजाई क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप। मोस्ट ऑफ फंजाई क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप होते हैं। अब इस हेटरोट्रॉप में दो तरह के हेटरोट्रॉप हो सकते हैं, या तो ये सैप्रोफाइट हो सकते हैं, या तो ये पैरासाइट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? या तो ये सैप्रोफाइट हो सकते हैं, या तो ये पैरासाइट हो सकते हैं। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है भाई? तो समझना ध्यान से, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? पैरासाइट तो पता है ना, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, और होस्ट से अपना फूड, अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं पैरासाइट। क्या कहते हैं? पैरासाइट। सैप्रोफाइट क्या होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, उसको कहते हैं सैप्रोफाइट, जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, जो फूड का डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? जो फूड का डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट। सुनना, आप देखोगे सड़क के किनारे कोई डेड एनिमल्स
क्या डेड एनिमल्स या फिर डेली मिलियन टन ऑफ लीव्स जो होते हैं वो प्लांट से गिरते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देते, नेचर में नहीं रहते। अगर ऐसा होता कि डिकम्पोजिशन ही नहीं होता, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही नहीं होता, तो क्या होता तुमको पता है क्या होता? अर्थ पे जो एनिमल का डेड ऑर्गेनिज्म है और प्लांट का डेड बॉडी है, प्लांट का डेड बॉडी और एनिमल का डेड बॉडी, उससे पूरा अर्थ अपना भरा रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सेप्रोफाइट, ठीक है। तो सड़क के किनारे आप डेड एनिमल्स को देखते होंगे, क्या होता है, कुछ दिन आपको दिखाई देता है, उसके बाद ये गायब हो जाता है। होता क्या है कि ये डेड ऑर्गेनिज्म के पास आता है फंजाई और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करता है, बता चुके हैं। तो फंजाई और बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। फंजाई और बैक्टीरिया के लिए बहुत सारा क्या है, ये फूड है। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, बहुत सारा फूड है, समझ में आ गया। तो बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे फंजाई डेड मटेरियल पे आएंगे और क्या करेंगे, पिकनिक मनाएंगे। देखो क्या करते हैं, तो यहाँ पे आता है फंजाई और यहाँ पे आता है बैक्टीरिया, इस डेड ऑर्गेनिक मैटर पे अपने एंजाइम्स का वोमिटिंग करेंगे। क्या करेंगे, अपने एंजाइम्स का वोमिटिंग करेंगे, मतलब एंजाइम सिक्रीट करेंगे इस डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे, क्या एंजाइम का सिक्रीशन करेंगे। और इस एंजाइम के कारण इसका क्या होगा, बॉडी के बाहर डाइजेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा, इसलिए बहुत फॉल स्मेल आएगा, बहुत खराब स्मेल आएगा। जब तक डाइजेशन होता है ना आउटसाइड द बॉडी, तब तक बहुत खराब स्मेल आएगा, समझ में आ गया। और बॉडी के बाहर क्या करते हैं, बोलो ना, फूड का डाइजेशन करते हैं कौन, फंजाई और बैक्टीरिया, कैसे भाई, एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। और बॉडी के बाहर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का डाइजेशन होता है, ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर फंजाई और बैक्टीरिया उस सिंपल न्यूट्रिएंट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्मेल खत्म हो जाता है, समझ में आया, ऐसा होता है। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, क्या होता है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है। कैसे होता है आउटसाइड द बॉडी, समझ में आया, ये एंजाइम्स का वोमिटिंग करते हैं आउटसाइड द बॉडी, फूड को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को बॉडी के बाहर डाइजेस्ट किया जाता है। जब फूड बॉडी के बाहर डाइजेस्ट हो जाता है तो एनिमल्स को, सॉरी, फंजाई और बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं भाई, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। अभी तो बताया कि फंजाई जो होता है ना एनिमल्स बॉडी में प्रेजेंट होता है, जैसे कि रिंगवॉर्म, जैसे कि डैंड्रफ, ये सब क्या है, फंजाई ही तो है जो हमारे बॉडी के बाहर, सॉरी, हमारे बॉडी पे एज अ पैरासाइट ग्रो करता है। क्लियर। नेक्स्ट है कि ये कुछ जो होते हैं ना फंजाई, ये एज अ सिम्बायोंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लिखेंगे ऑल्सो लाइव एज या सम ऑफ लाइव एज, मोस्ट ऑफ हेटरोट्रॉफ एंड कुछ होते हैं ना जो ऑल्सो लाइव एज क्या सिम्बायोंट्स, क्या सिम्बायोंट्स, कुछ सिम्बायोंट्स के जैसा भी ये ग्रो करते हैं। क्लियर है। और सिम्बायोंट्स किसके साथ ग्रो कर देते हैं, ये एल्गी के साथ ग्रो करते हैं, क्या करते हैं, एल्गी के साथ ग्रो करते हैं, कौन, फंजाई, और बनाते हैं क्या, लाइकेंस, क्या बनाते हैं, लाइकेंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लाइकेंस। लाइकेंस क्या है, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, क्या है, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखना है, लाइकेन क्या है, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है जो एल्गी और फंजाई के मिलने से बनता है, जो एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन से बनता है। क्लियर है। लाइकेंस के बारे में हम आगे डिटेल में पूरा पढ़ेंगे इसी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी के लिए बस इतना ही, इंट्रोडक्शन हमारे लिए काफी है। नेक्स्ट इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं, क्या, फंजाई का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो फंजाई में तीन तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक होता है वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आप बोलिएगा सर, बचपन में 10th क्लास में हम क्या पढ़े थे, दो तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े थे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर क्या आता है, वेजिटेटिव वाला आता है, क्या आता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आता है। लेकिन यहाँ पे आपको 3 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वेजिटेटिव एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे अंतर है। सो नेक्स्ट हेडिंग देंगे रिप्रोडक्शन, क्या रिप्रोडक्शन। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन 3 मेथड से होता है, कौन कौन सा, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है।
तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे रिप्रोडक्शन। तो फंगाई में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये तीन तरह का, एक तो वेजिटेटिव, दूसरा क्या है, एक तो है वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और तीसरा क्या है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या आता है, फ्यूजन फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग आता है। क्या आता है, फ्यूजन फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग आता है। क्या आता है, बर्डिंग आता है, फ्यूजन फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग। क्या आता है, तीन तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आता है, फ्यूजन फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये तीन तरह के रिप्रोडक्शन आते हैं, फ्यूजन फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग आते हैं। क्या आते हैं, फ्यूजन फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग। अल्टीमेटली क्या होता है ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, ये जो मान लेते हैं ये फंजाई का बॉडी है, क्या है, फंगल बॉडी, ठीक है, क्या है ये है फंगल बॉडी। इस फंगल बॉडी में कहीं पे एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए और ये डिटैच हो जाए, समझ में आ गया, तो ये हो जाएगा बर्डिंग। क्या हो जाएगा, बर्डिंग। और फ्यूजन में क्या होता है, यूकैरियोटिक फंजाई जो होता है वो क्या कर सकता है, फ्यूजन कर सकता है, यानी एक से दो पार्ट में ये डिवाइड कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूजन। या फिर एक्सीडेंटली ये जो माइसीलियम है फंगल बॉडी का, ये टूट जाएगा, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन, यानी उसके बॉडी पार्ट से ही, बॉडी पार्ट से ही क्या बन जाए, दूसरा फंजाई बन जाए, तो उसको क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, क्या बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। और अगर एसेक्सुअल स्पोर्स से फंजाई का रिप्रोडक्शन होगा तो उसको क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, उस सेक्सुअल स्पोर से होता है रिप्रोडक्शन फंजाई में। क्लियर है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तीन तरह से हो सकता है रिप्रोडक्शन, एक तो फ्यूजन, दूसरा फ्रेगमेंटेशन और तीसरा बडिंग। क्या, फ्यूजन फ्रेगमेंटेशन बडिंग, क्या, फ्यूजन फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन होता है ये एसेक्सुअल स्पोर से होता है, तो लिखेंगे बाई स्पोर्स। क्या, बाई स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। क्या, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। और इस एसेक्सुअल स्पोर्स से होता है, इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर्स, जैसे कि कोनिडिया। क्या, कोनिडिया। इस कोनिडिया को कोनिडियो स्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनिडियो स्पोर्स। एक तो हो गया कोनिडिया, एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, जैसे कि कोनिडिया। क्या, कोनिडिया या कोनिडियो स्पोर्स। उसके अलावा स्पोरेंजियो स्पोर्स क्या होता है, दूसरा स्पोरेंजियो स्पोर्स। इस स्पोरेंजियो स्पोर्स का दूसरा नाम है एप्लैनो स्पोर्स। क्या नाम है, एप्लैनो स्पोर्स। एनसीईआरटी में बस एप्लैनो स्पोर्स दिया हुआ है, आप उसको जरूर मेंशन कीजिएगा वहां पे, स्पोरेंजियो स्पोर्स। यानी स्पोरेंजियो स्पोर्स और एप्लैनो स्पोर्स दोनों ही क्या है, बोलो ना, एक ही चीज है। क्या भाई, एक ही चीज है, दोनों नॉन मोटाइल स्पोर्स है। क्या है, ये दोनों नॉन मोटाइल स्पोर्स है। क्लियर। नेक्स्ट जू स्पोर, क्या है, लास्ट जू स्पोर, ये भी क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स है, जू स्पोर्स। सुनना भाई बात को ध्यान से, एसेक्सुअल स्पोर्स से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, ये कोनिडियो स्पोर्स हो सकते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर्स या एप्लैनो स्पोर्स हो सकते हैं, और जू स्पोर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, जू स्पोर्स हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, क्या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, वो सेक्सुअल स्पोर्ट्स से होता है। कैसे होता है? सेक्सुअल स्पोर्ट्स से होता है। तो बाई स्पोर्ट्स, क्या बाई स्पोर्ट्स या बाई सेक्सुअल स्पोर्ट्स आप लिख सकते हैं। यहां पे आ जाएगा एस्को स्पोर्ट, क्या आ जाएगा भाई एस्को स्पोर्ट, और क्या आ जाएगा ऊ स्पोर्ट्स, एस्को स्पोर्ट्स और जाइगो स्पोर्ट, एस्को स्पोर्ट्स और जाइगो स्पोर्ट्स, और क्या आ जाएगा एस्को स्पोर्ट्स जाइगो स्पोर्ट्स। जाइगो स्पोर्ट्स का एक दूसरा नाम है ऊ स्पोर्ट, क्या और ऊ स्पोर्ट्स, जाइगो स्पोर्ट्स का दूसरा नाम क्या है ऊ स्पोर्ट्स, क्या ऊ स्पोर्ट्स, क्लियर है। तो सेक्सुअल स्पोर्ट्स में आता है एस्को स्पोर्ट्स, जाइगो स्पोर्ट्स या ऊ स्पोर्ट्स, क्लियर है। उसके बाद आ जाता है बेसिडियो स्पोर्ट्स, क्या बेसिडियो स्पोर्ट्स, क्या आ जाता है भाई बेसिडियो स्पोर्ट्स। अब देखो क्वेश्चन यहां से आता है कठिन, एक तो इतने सारे स्पोर्ट्स एक बार देख लो। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन समझ में आया कि फंजाई में वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होगा, या तो बडिंग से होगा, या तो फिजन से होगा, या तो फ्रेगमेंटेशन से होगा। चलो इसका कहानी करते हैं, ठीक है, ये आसान है, ये आपको याद है। अब हम आ जाते हैं ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स पे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स, क्या पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स, इसमें से कौन है ना जो ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स है। अब देखो इतने सारे स्पोर्ट्स हो गए, छह छह सात सात स्पोर्ट्स के नाम दिख रहे हैं, कुछ कुछ के तो एक के दो दो नाम है, जैसे दिख रहा है स्पोरेंजियो स्पोर्ट और एप्लानो स्पोर्ट, जाइगो स्पोर्ट और ऊ स्पोर्ट, इसके दो दो नाम है, समझ में आ गया। पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स, बोलो। ये तीन दे दिया जाएगा एस्को स्पोर्ट, जाइगो स्पोर्ट और बेसिडियो स्पोर्ट, और एक इधर से दे दिया जाएगा जू स्पोर्ट, समझ में आ गया। तो पूछा गया क्या, पूछा क्या गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअल स्पोर्ट, तो आंसर क्या चला जाएगा जू स्पोर्ट। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअल स्पोर्ट, तो तीन इधर से नाम आपको मिल जाएगा, कोनिडिया मिल जाएगा, एप्लानो स्पोर्ट मिल जाएगा, जू स्पोर्ट मिल जाएगा, चौथा ऑप्शन रहेगा जाइगो स्पोर्ट। लो टिक करो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअल स्पोर्ट, आंसर क्या चला जाएगा जाइगो स्पोर्ट। अब याद करना बहुत कठिन, तो देखो जब भी कोई दो चीज में कंफ्यूजन हो तो किसी एक चीज को याद करो एकदम स्ट्रांगली, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, या ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन है तो ऑप्शन को हम छाट के आंसर टिक कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। दोनों में से कोई एक याद करो, याद हम दोनों करवाएंगे, लेकिन कंफर्म किसी एक पे रहना है, इससे आपको आंसर टिक करने में आसानी होगी, ऑप्शन को छाटने में आसानी होगी। जैसे कोई क्वेश्चन तुमसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेक्सुअल स्पोर्ट, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, चार ऑप्शन में से एक आंसर होगा एसेक्सुअल स्पोर्ट वाला और तीन आंसर होगा सेक्सुअल स्पोर्ट वाला। तो अगर तुमको सेक्सुअल स्पोर्ट याद है तो सेक्सुअल स्पोर्ट को छाट दो, जो चौथा बच गया वो एसेक्सुअल स्पोर्ट होगा, या फिर अगर तुमको सेक्सुअल स्पोर्ट याद है तो एक ही याद मतलब जो ऑप्शन है उसको देख के टिक कर, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसको याद किया जाए, क्या यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्ट, एसेक्सुअल स्पोर्ट में क्या है कोनिडिया, क्या है कोनिडिया है, स्पोरेंजियो स्पोर्ट है, एप्लानो स्पोर्ट है और जू स्पोर्ट है, क्या है जू स्पोर्ट है, एप्लानो स्पोर्ट है, स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स और कोनिडिया। ये आपको याद रखना है थोड़ा सा कि स्पोरेंजियो स्पोर्ट और एप्लानो स्पोर्ट सेम है, स्पोरेंजियो स्पोर्ट और एप्लानो स्पोर्ट सेम, ठीक है। चलिए इसको आप याद रख सकते हैं, एक छोटा सा ट्रिक्स है एप्पल जूस का सैंपल, क्या एप्पल जूस का सैंपल, एप्पल फोर्ड दिखा तुमको एप्लानो स्पोर्ट, क्या एप्लानो स्पोर्ट, एप्पल से क्या याद रख सकते हैं एप्लानो स्पोर्ट, जूस से क्या याद रख सकते हैं जूस, तो जू स्पोर्ट, क्या जू स्पोर्ट, एप्पल जूस का से क्या याद रख सकते हैं कोनिडिया, क्या कोनिडिया, और सैंपल से क्या याद रख सकते हैं एस्पोरेंजियो स्पोर्ट, क्या एस्पोरेंजियो स्पोर्ट, ठीक है। अब कैसे याद रहेगा कि सर ये वाला जो है ना एप्पल जूस का सैंपल ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको मेहनत करना होगा, बस एक दो बार चार बार पांच बार आप पढ़िएगा एप्पल जूस का सैंपल एसेक्सुअल स्पोर्ट, एप्पल जूस का सैंपल एसेक्सुअल स्पोर्ट, एप्पल जूस का सैंपल एसेक्सुअल स्पोर्ट, तो आपको याद हो जाएगा। और जैसे ही एप्पल जूस का सैंपल याद हो गया तो बस तुमको याद हो गया एप्पल मतलब एप्लानो स्पोर्ट, जूस मतलब जू स्पोर्ट, का मतलब कोनिडिया,
और सैंपल मतलब स्पोरेंजियो स्पोर्स का, स्पोरेंजियो स्पोर एप्पल जूस का सैंपल याद हो गया। तो चलो तुमको ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स याद हो गया, आप चलो याद किया जाए क्या सेक्सुअल स्पोर्ट्स। सेक्सुअल स्पोर्ट्स में क्या सेक्सुअल स्पोर्ट में क्या है, सेक्सुअल स्पोर्ट में ए फोर एस्कोर स्पोर्ट, जेड फोर जाइगो स्पोर, जेड फोर जाइगो स्पोर, डबल ओ फोर बोलो ना ऊ स्पोर्ट्स, ठीक है। तो जाइगो स्पोर और ऊ स्पोर सेम ही है, और बी ए फोर क्या हुआ बेसिडियो स्पोर्ट्स, क्या हुआ बेसिडियो स्पोर्ट, तो याद हुआ अजूबा, क्या अजूबा, अजूबा मतलब सेक्सुअल स्पोर्ट, अजूबा क्या हो गया सेक्सुअल स्पोर्ट्स हो गया, अजूबा क्या हो गया सेक्सुअल स्पोर्ट हो गया, अजूबा क्या हो गया सेक्सुअल स्पोर्ट हो गया। इस तरह से याद रखना है, ए फोर बोलो ना एस्को स्पोर्ट, जेड फोर जू स्पोर, जाइगो नहीं जाइगो, जेड फोर जाइगो स्पोर्ट, जू नहीं जू तो वहां पे था जूस में, क्लियर जू में कहां पे जूस में, तो जाइगो स्पोर्ट, ओ फोर ऊ स्पोर्ट, और बी ए फोर बेसिडियो स्पोर्ट, क्या बेसिडियो स्पोर्ट। तीन चार पांच बार आप इसको पढ़िए लिखिए आपको याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, समझ में आ गया। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, क्लियर है। तो अगर आप कंफर्म इसको एक दो बार थोड़ा सा पांच मिनट देके इसको तुम थोड़ा सा मजबूत कर लोगे, एसेक्सुअल स्पोर सेक्सुअल स्पोर एसेक्सुअल स्पोर सेक्सुअल स्पोर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एसेक्सुअल स्पोर क्या था एप्पल जूस का सैंपल है, प्लानो स्पोर जू स्पोर पोनीडिया और स्पोरेंजियो स्पोर। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं सेक्सुअल स्पोर में क्या था, ए फोर एस्कोर स्पोर जेड फोर जाइगो स्पोर ऊ स्पोर एंड बेसिडियो स्पोर, ये क्या है सेक्सुअल स्पोर। अब ये जो स्पोर्स है ना स्पोर्स, ये फंजाई पे फंजाई के बॉडी पे, ये फंजाई के बॉडी में मतलब बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है और बॉडी के बाहर प्रोड्यूस हो सकता है। एक बार फिर से, ये जो स्पोर्स है ये फंजाई पे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है और बॉडी के बाहर प्रोड्यूस हो सकता है। अगर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं इंडोजेनियसली, क्या इंडोजेनियसली, और अगर बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होगा ये स्पोर तो बोलेंगे एक्सोजेनियसली, क्या बोलेंगे एक्सोजेनियसली, क्या बोलेंगे एक्सोजेनियसली। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सा स्पोर एक्सोजेनियसली है और कौन सा स्पोर इंडोजेनियसली है, क्या कौन सा स्पोर एक्सोजेनियसली और कौन सा स्पोर इंडोजेनियसली है। अब इस कंडीशन में आपको दोनों याद नहीं करना है, दोनों में से कोई एक याद कर लो ना, बस एक्सोजीनियसली वाले को याद कर लो तो इंडोजीनियसली अपने आप याद हो गया, समझ आएगा। जैसे बेसिडियो स्पोर्स और कुनीबिया क्या है एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, तो बाकी सब इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, बाकी सब इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, याद हो जाएगा। चलिए कौन कौन एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, बेसिडियो स्पोर्स और कुनीबिया एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, तो बाकी सब इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, क्लियर है। उसके पहले एक पॉइंट लिखेंगे, ये जो स्पोर्स है ना ये फंजाई के बॉडी में प्रोड्यूस हो सकता है या फंजाई के बॉडी पर प्रोड्यूस हो सकता है, समझ में आ गया। लिखेंगे स्पोर्स प्रोड्यूस इन और ऑन फ्लोटिंग बॉडी, स्पोर्स प्रोड्यूस इन और ऑन फ्लोटिंग बॉडी। फंजाई कहां पे प्रोड्यूस होते हैं, फंजाई फ्लोटिंग बॉडी के ऊपर या फ्लोटिंग बॉडी के अंदर, मान लेते हैं ये फंजाई का क्या है फ्लोटिंग बॉडी है, तो फंजाई का जो स्पोर्स है ये ऐसे एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो सकता है या फ्लोटिंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है, यानी इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, क्या इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। हम बोल रहे हैं क्या बस एक्सोजीनियसली वाले को याद कर लो, बस एक्सोजीनियसली वाले को याद कर लो तो इंडोजीनियसली अपने आप याद हो जाएगा, क्लियर है। तो एक्सोजेनियसली में कौन कौन होता है, बेसिडियो स्पोर जो सेक्सुअल स्पोर था और कुनीडिया जो एसेक्सुअल स्पोर था, बेसिडियो स्पोर जो सेक्सुअल स्पोर है और कुनीडिया जो एसेक्सुअल स्पोर है वो क्या है एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा सेक्सुअल स्पोर, कौन सा सेक्सुअल स्पोर एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होता है, ये दो क्वेश्चन हो गए, एक तो कौन एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होता है और कौन एसेक्सुअल स्पोर है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, तो क्या आंसर जाएगा बेसिडियो स्पोर्स, क्या हो जाएगा बेसिडियो स्पोर्स। कौन सा एसेक्सुअल स्पोर इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, तब आंसर क्या चला जाएगा कोनीडिया, क्या चला जाएगा आंसर कोनीडिया, क्योंकि कोनीडिया क्या है एसेक्सुअल स्पोर्स।
तो ऐसे सेक्सुअल स्पोर एसेक्सुअल स्पोर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। नहीं याद होगा अभी समझ आ गया, बस रट्टा की केसल कीजिएगा, टिक कुछ नहीं बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा वहां पे एक्सीडेंट होना तय है, मतलब गलत होगा ही होगा, इसलिए आप जरूर उसको ट्रिक से याद कीजिए। यहाँ पे भी एक ट्रिक है जो हम लोग देखेंगे, हाँ लिखेंगे प्रेसिडियो स्पोर्ट्स। बच्चे को हम ट्रिक नहीं बताते, समझ आ गया, 11th 12th में ही आके आप ट्रिक, क्योंकि बचपन में थोड़ा सा आपको दिमाग मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। तो ये सब ट्रिक वगैरह का जो कहानी है वो 11th से ही चालू होता है, ठीक है। देखेंगे बेसिडियो स्पोर्ट्स एंड कोनिडिया, बेसिडियो स्पोर्ट्स एंड कोनिडिया, कोनिडिया का दूसरा नाम क्या है, कोनिडियो स्पोर्ट्स, क्या है कोनिडियो स्पोर्ट्स, बेसिडियो स्पोर्ट्स एंड कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, आर प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली ऑन फ्लोटिंग बॉडी, ऑन फ्लोटिंग बॉडी, डेसिडियो स्पोर्ट्स एंड कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली ऑन फ्लोटिंग बॉडी एंड ऑल प्रोड्यूस इंडोजेनियसली इन प्रोड्यूस, बाकी जो बच गए वो सब क्या हो गए, इंडोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम लिखेंगे नहीं, बाकी तुमको याद हो जाएगा, समझ आया। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं, इसके अलावा सब जो है वो क्या इंडोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं, लिखेंगे एंड ऑल प्रोड्यूस इंडोजेनियसली एंड ऑल प्रोड्यूस्ड इंडोजेनियसली इन फ्लोटिंग बॉडी। इसको आप याद रख सकते हैं क्या, बेसिक कोबाल्ट को बाहर निकालो, किसे बेसिक कोबाल्ट को बाहर निकालो, बेसिक कोबाल्ट को बाहर निकालो। अब देखो बाहर निकालो या बाहर निकलो का मतलब क्या होता है, एग्जिट, क्या होता है एग्जिट, सही है। चलो बेसिक से तुमको क्या याद रहेगा, एसिडियो स्पोर्ट्स, क्या याद रहेगा बेसिडियो स्पोर्ट्स याद रहेगा, और कोबाल्ट से क्या याद रहेगा कोनिडिया, क्या कोनिडिया। तो बेसिक यानी बेसिडियो स्पोर्ट्स और कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट नहीं यार, बेसिडियो स्पोर्ट्स और कोनिडिया क्या है, एग्जिट मतलब एक्सोजीनियसली बाहर निकाला, समझ में आ गया। तो ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, बाकी सब एस्को स्पोर, जाइगो स्पोर, जू स्पोर, क्लियर है, एस्पोरेंजियो स्पोर्स, ये सब कैसे, ये सब इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, समझ आ गया। सेक्सुअल स्पोर्स जो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, कर लीजिएगा क्या, बेसिडियो स्पोर था अजूबा में बा, है ना, तो अजूबा वाला में था, सेक्सुअल स्पोर्स जो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स जो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है क्या, कोनिडिया। इस तरह से करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जनरली लोगों का गलत होता है लेकिन आपका गलत नहीं होगा, बस इतने कि ये आपको याद रहे बहुत अच्छे से, समझ में आ गए। अब हम पढ़ेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल स्पोर्ट्स से होता है जिसको, और सेक्सुअल स्पोर्ट कौन कौन सा है, अजूबा, अजूबा मतलब क्या क्या हो गया यहाँ पे, ए फॉर बोलो ना, ए फॉर एस्को स्पोर्ट, जेड फॉर जाइगो स्पोर्ट, डबल ओ फॉर ऊ स्पोर्ट, लेकिन सेक्सुअल साइकिल में, क्या सेक्सुअल साइकिल में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कितने स्टेप, मेनली तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक को कहते हैं प्लाज्मोगैमी, दूसरे को कहते हैं कैरियोगैमी, तीसरे को कहते हैं क्या कहते हैं प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी, और तीसरे को कहते हैं मियोसिस इन जाइगोट, क्या कहते हैं मियोसिस इन जाइगोट या मियोसिस, क्या कहते हैं मियोसिस। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व थ्री स्टेप्स, क्या थ्री स्टेप्स, सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व
involved in three stages: sexual cycle involve three steps. ये कौन कौन से स्टेप्स है? हाँ, ये कौन कौन से स्टेप है? पहला स्टेप है प्लाज्मोग्लैंड. क्या है प्लाज्मोग्लैंड? दूसरा होता है क्या बोलो ना, कैरियोग्लैंड. और तीसरा होता है मियोसिस इन जाइगोट. मियोसिस इन जाइगोट, मियोसिस इन जाइगोट. प्लाज्मोग्लैमी में क्या होता है? सेल नहीं, सेल का फ्यूजन होता है या साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है. क्या होता है? साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन हुआ, यानी प्लाज्मोग्लैमी यानी सेल का फ्यूजन हुआ. ठीक है, दूसरा मान लेते हैं ये एक सेल है और ये एक दूसरा सेल है, दोनों का फ्यूजन हुआ, ये वाला कंडीशन. तो सेल तो फ्यूज कर गया लेकिन दोनों न्यूक्लियस अलग अलग है. तो जो सेल फ्यूजन हुआ ना, ये एक सेल और ये दूसरा सेल, दोनों सेल का जो फ्यूजन हुआ उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोग्लैमी कहते हैं. सेल फ्यूजन के कुछ समय के बाद इस न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ. क्या हुआ? न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, तो इसलिए उसको कहते हैं कैरियोग्लैमी. आपको पता है कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस. क्या होता है? जैसे प्रोकैरियोटिक है ना, प्रो का मतलब होता है फॉल्स और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस. तो फॉल्स न्यूक्लियस जिसके पास है प्रोकैरियोटिक. यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस. जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है वो क्या है? यूकैरियोटिक है. क्या है? यूकैरियोटिक है. तो कैरियोग्लैमी कहने का मतलब है, ग्लैमी का मतलब होता है फ्यूजन. क्या होता है? फ्यूजन. तो न्यूक्लियस का फ्यूजन क्या कहलाता है? कैरियोग्लैमी कहलाता है. न्यूक्लियस का फ्यूजन क्या कहलाता है? कैरियोग्लैमी कहलाता है. क्लियर? अरे बोलो भाई, क्लियर? तो पहला स्टेप होता है दो सेल का फ्यूजन प्लाज्मोग्लैमी. नेक्स्ट न्यूक्लियस का फ्यूजन, न्यूक्लियस का फ्यूजन देन इसको क्या कहते हैं? कैरियोग्लैमी. और देन होता है, जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे, तो अब इस न्यूक्लियस मतलब दो न्यूक्लियस में फ्यूजन के बाद जो सेल बनता है इसमें होता है मियोसिस. क्या होता है? मियोसिस. और मियोसिस से फिर बनता है हैप्लॉइड, यानी बहुत सारे सेल्स बनते हैं. क्या बनता है? बहुत सारे सेल्स बनते हैं. फिर इसके बाद जो सेल्स बनाता है स्पोरिया जर्मिनेट करता है, ग्रो करता है, और फिर से ये क्या करता है? फिर से ये बनाता है दो सेल्स, और फिर दो सेल में क्या होता है? फ्यूजन होता है, फिर से प्लाज्मोग्लैमी, फिर से कैरियोग्लैमी, फिर से मियोसिस. यही सब साइकिल चलता रहता है. चलो इसको एक बार डिटेल में देखते हैं. तो सेक्सुअल साइकिल में कितने स्टेप होते हैं? प्लाज्मोग्लैमी फर्स्ट स्टेप क्या है? प्लाज्मोग्लैमी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेज क्या है? प्लाज्मोग्लैमी क्वेश्चन पूछा जाता है. सेकेंड स्टेज क्या है? कैरियोग्लैमी. थर्ड एंड लास्ट स्टेज क्या है? मियोसिस इन जाइगोट. क्या भाई? मियोसिस इन जाइगोट. चलिए अब इसको डिटेल में देखते हैं. आपको पता है ना जो सेल डिवीजन होता है ना, ये दो तरह का होता है. एक होता है माइटोसिस सेल डिवीजन और दूसरा होता है मियोसिस सेल डिवीजन. क्या? माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन. कुछ ये समझिए, माइटोसिस और मियोसिस को समझने के लिए हमको जितना काम है माइटोसिस और मियोसिस से, अभी हम उतना बताते हैं. माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है? वैसा सेल डिवीजन जिसमें सेल डिवीजन के पास पेरेंट सेल के पास जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल के पास भी होता है. वैसे सेल डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस. क्या? माइटोसिस. यानी माइटोसिस सेल डिवीजन में एक सेल डिवाइड करता है. मान लेते हैं सेल के पास 46 क्रोमोसोम है. क्या? 46 क्रोमोसोम है. और ये सेल डिवीजन में जाता है. क्या? सेल डिवीजन में जाता है तो दो डॉटर सेल को बनाता है. क्या? दो डॉटर सेल को बनाता है. ऐसे दोनों डॉटर सेल में ना, इसके पास 46 क्रोमोसोम तो इसके पास भी क्या है? 46 क्रोमोसोम. यानी जैसा पेरेंट सेल है 46 क्रोमोसोम वाला, ठीक वैसा ही डॉटर सेल है. यानी जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के पास है, ठीक उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल के पास होता है. तो वैसे सेल डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस. क्या कहते हैं? माइटोसिस. या जैसा पेरेंट सेल होता है ना एग्जैक्ट वैसा ही डॉटर सेल होता है, तो वैसे सेल डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस. क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं. सुनना भाई ध्यान से. सर, जैसा ये पेरेंट सेल है वैसा ही डॉटर सेल है, ठीक है? आप कैसे कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट सेम होगा? तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि देखो भाई, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो किसके पास होता है? वो होता है क्रोमोसोम के पास होता है. किसके पास होता है? क्रोमोसोम के पास होता है. यानी मेरे पास जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो मेरे फादर और मेरे मदर से मेरे पास आया हुआ है.
यानी मेरा सब कैरेक्टर किसके जैसा है, सारा कैरेक्टर मेरे फादर और मेरे मदर से मिलता जुलता है, सही है। वैसे ही सेल डिवीजन में एक सेल दो सेल को जन्म नहीं देता है, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। मान लेते एक सेल है, जब ये सेल डिवीजन में जाता है तो ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है, ये एक सेल और ये दूसरा सेल बन जाता है। समझ में आ गया, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है सेल डिवीजन में। अब होता क्या ना, सेल डिवीजन पहले जैसा क्रोमोसोम ये है 46, ठीक वैसा ही क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन तैयार किया जाता है और दोनों डॉटर सेल में भेज दिया जाता है। और आपको पता है जैसा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके पास, ठीक वैसा ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके और इसके पास चला आया, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। और ये कैसे है, जैसा इसका पेरेंट सेल था। समझ में आ गया, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम रहता है, किसी भी तरह का मिक्सिंग नहीं होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। इसलिए माइटोसिस में जैसा पेरेंट सेल होता है एग्जैक्ट वैसा ही क्या होता है, डॉटर सेल होता है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है ना, क्या मियोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल, क्या एक पेरेंट सेल मान लीजिए इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। अब ये सेल डिवीजन में जाएगा तो डॉटर सेल को बनाएगा और ये चार डॉटर सेल बनाता है, एक दो तीन चार डॉटर सेल बनाता है। अगर पेरेंट सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है तो डॉटर सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होता है, क्या होता है 23 होता है। यानी वैसा सेल डिवीजन, वैसा सेल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है पेरेंट के रिस्पेक्ट में, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस्ड हो जाता है, आधा हो जाता है, वैसे सेल डिवीजन को कहते हैं मियोसिस। क्या कहते हैं, मियोसिस। तो ये है माइटोसिस का कहानी और ये है मियोसिस का कहानी। माइटोसिस क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहा, दो डॉटर सेल बनता है, माइटोसिस कहलाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, चार डॉटर सेल बनता है, तो वैसे सेल डिवीजन को कहते हैं मियोसिस। क्या मियोसिस, इसमें जैसा पेरेंट सेल होगा क्या वो एग्जैक्ट डॉटर सेल होगा, नहीं। क्या डॉटर सेल आपस में सेम होंगे, नहीं आपस में सेम नहीं होते हैं। आपको जब मियोसिस पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि डॉटर सेल आपस में सेम क्यों नहीं होते हैं। यहाँ पे होता है रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक मटेरियल के बीच और क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक मटेरियल के बीच। आपको बस हम बताना चाहते हैं कि भाई ये जो गैमिट फॉर्मेशन होता है ना, गैमिट फॉर्मेशन सुनना ध्यान से, माइटोसिस समझ में आ गया, मियोसिस समझ आ रहा है कि मियोसिस होता क्यों है। मान लेते हैं पेरेंट्स हैं, फादर के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, मदर के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, समझ में आ गया। इसका जो डॉटर हुआ उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, समझ में आ गया। इसका डॉटर हुआ इसका उसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। तो ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना, हर एक जनरेशन में ऑर्गेनिज्म के पास सेम रहता है। क्यों सेम रहता है, क्योंकि इसके रिप्रोडक्टिव सेल में होता है मियोसिस। मेल में स्पर्म बनता है, क्या बनता है, स्पर्म बनता है। स्पर्म देखो, मेल बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, लेकिन इस स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, इस एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, स्पर्म में 23, एक सेल में 23, दोनों का फ्यूजन हुआ तो जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। ये 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला जो सेल है आखिर बना कैसे, कैसे बना, मियोसिस से बना। कैसे बना, मियोसिस से बना। समझ में आ गया। तो जहां पे रिप्रोडक्शन होता है, जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहां पे गैमिट का फ्यूजन होता है, वहां पे होता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। और मियोसिस के कारण होते हैं चेंजेस, क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वेरिएशन होता है। खैर मियोसिस क्या है, समझ में आ गया। एक मियोसिस से कितना सेल का फॉर्मेशन होता है, एक मियोसिस से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। इसके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना 46, वो कहां से आया, एक सेट फादर से आया और दूसरा सेट मदर से आया। यानी इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम है डिप्लॉयड, क्या है, 2n है, क्या भाई 2n, और 2n को कहते हैं डिप्लॉयड, क्या कहते हैं, डिप्लॉयड। इसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, डिप्लॉयड है, 2n है। क्यों, क्योंकि इसके फादर से और इसके मदर से एक एक सेट का क्रोमोसोम आया, लेकिन इसके गैमेट में कितना क्रोमोसोम है, तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। क्या भाई, इसके गैमेट्स में 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो जहां पे मियोसिस होता है ना, उसके पेरेंट सेल में होता है डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, और जो सेल डिवीजन से बनता है उसको में क्या होता है, हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है मियोसिस। बस इतना इंट्रोडक्शन मियोसिस के लिए काफी है। कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप जरूर पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये बताना जरूरी था, मियोसिस समझाना थोड़ा सा जरूरी था, ताकि मैं आपको प्लाज्मोगैमी समझा सकूं।
चलिए सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म से शुरू करते हैं कि कोई भी फंजाई होता है ना उसमें डिप्लॉयड होता है, क्या होता है फंजाई डिप्लॉयड होता है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। इस टू सेट ऑफ क्रोमोसोम में क्या होता है, मियोसिस होता है, क्या होता है मियोसिस होता है, मियोसिस। अब तुमको पता है जब सेल में डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होगा तो कितने सेल बनेंगे, फोर सेल बनेंगे, क्या एक दो तीन चार, चार हैप्लॉयड सेल बन गए। इस चार हैप्लॉयड सेल में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट सेल का सेल फ्यूजन होगा, क्या होगा सेल फ्यूजन होगा, क्या होगा सेल फ्यूजन होगा, यानी एन प्लस एन सेल का क्या होगा फ्यूजन होगा, एन और एन सेल का क्या होगा फ्यूजन होगा। इस कंडीशन को कहते हैं प्लाज्मोगैमी, क्या कहते हैं प्लाज्मोगैमी कहते हैं, क्या कहते हैं प्लाज्मोगैमी। ये एन एन यानी सेल तो फ्यूज हो गया, अंदर एन और एन रह गया, क्या अंदर एन और एन रह गया, यानी एक सेल फ्यूज हो गया तो क्या बन गया डाइकैरियन स्टेज आ गया, यानी दो न्यूक्लियस वाला स्टेज। अभी तो बताया कैरियन का मतलब क्या होता है न्यूक्लियस, यानी एन प्लस एन फ्यूज करता है तो डाइकैरियन वाला फेज आ जाता है, क्या आता है डाइकैरियन वाला फेज आता है। डाइकैरियन जब फ्यूज करता है तो क्या बन जाता है डिप्लॉयड कंडीशन आ जाता है, जिसको कैरियोगैमी कहते हैं, क्या कहते हैं कैरियोगैमी कहते हैं। फंजाई का लाइफ शुरू हुआ यहां से, दो हैप्लॉयड स्पोर्स का फ्यूजन होता है इसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं, प्लाज्मोगैमी के बाद डाइकैरियन स्टेज बनता है थोड़े समय के लिए, फिर दोनों न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो जाता है जिसको कैरियोगैमी कहते हैं। दोनों न्यूक्लियस के फ्यूजन से जो रिजल्ट आता है ना कैरियोगैमी वाले, इसको कहते हैं सिनगैमी, क्या कहते हैं सिनगैमी या सिनकैरियन स्ट्रक्चर, क्या सिनकैरियन स्ट्रक्चर। अब ये जाइगोट बनता है, तुरंत जाइगोट बना ही यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आया, इसमें क्या हो गया मियोसिस आ गया, मियोसिस में फिर से क्या हुआ फोर हैप्लॉयड स्पोर बने, हैप्लॉयड स्पोर जर्मिनेट करते हैं, फिर ये हैप्लॉयड सेल को बनाते हैं, दो हैप्लॉयड सेल फिर से फ्यूजन होता है, प्लाज्मोगैमी होता है, पहला स्टेप प्लाज्मोगैमी, दूसरा स्टेप कैरियोगैमी, तीसरा स्टेप मियोसिस। समझ में आ गया, तो इस तरह से फंजाई का लाइफ साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, क्लियर है। अब बात आता है कि सर ये जो गैमेट्स बन रहा है ना, ये मेल और फीमेल गैमेट्स बनेगा, ये जो गैमेट्स बनेगा मियोसिस होगा जाइगोट में, तो ये क्या बनाएगा मेल और फीमेल गैमेट्स को बनाएगा, बिल्कुल मेल और फीमेल गैमेट्स को बनाएगा। तो कहां पे बनता है ये मेल और फीमेल गैमेट्स, कैसे बनता है, थोड़ा सा इसको भी ब्रीफ में देखते हैं। फंजाई की बॉडी को क्या कहते हैं माइसीलियम कहते हैं, फंगल बॉडी को क्या कहते हैं माइसीलियम कहते हैं, क्या कहते हैं माइसीलियम कहते हैं, और माइसीलियम बना हुआ है बहुत सारे, बोलो ना माइसीलियम बना हुआ है बहुत सारे स्पोर्स से मिलकर, माइसीलियम बना हुआ है बहुत सारे स्पोर्स से मिलकर, तो लिखेंगे माइसीलियम। माइसीलियम किससे बना हुआ है बहुत सारे, सॉरी यार माइसीलियम बना हुआ है बहुत सारे हाइफी से मिलकर, सॉरी सॉरी माइसीलियम बना हुआ है बहुत सारे हाइफी से मिलके, हाइफा क्या है फंजाई का सेल है, माइसीलियम क्या है फंजाई का टिश्यू है, तो माइसीलियम क्या बना हुआ है किससे मिलके बना हुआ है बहुत सारे हाइफा से मिलके बना हुआ है। सो लिखेंगे तो ये जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना फंजाई में, वो भी कहां पे प्रेजेंट होता है माइसीलियम पे प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होता है माइसीलियम पे प्रेजेंट होता है। यहां पे लिखिएगा ऑल मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, All male and female sex organ all male and female sex organ are formed on two different hives, देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये माइसीलियम है, क्या भाई ये माइसीलियम है, ठीक है ये क्या है माइसीलियम है, और ये डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गया हाइफी हो गया, तो किसी एक हाइफी पे मेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसी दूसरे हाइफी पे फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक पे मेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाएगा एक हाइफी पे, एक सेम हाइफी मतलब सेल फंजाई का सेल, एक पे मेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाएगा और दूसरे पे
फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन एक ही माइसीलियम के डिफरेंट हाइफी पे, एक ही माइसीलियम के डिफरेंट हाइफी पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? आते हैं आगे। तो माइसीलियम में क्या होता है? फंगल हाइफी। क्या होता है? फंगल हाइफी। और ये भी हो जाएगा फंगल हाइफी। ये जो फंगल हाइफी बनाएगा ना, ये बनाएगा मान लेते हैं मेल फंगल हाइफी। क्या हो गया? एक मेल जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं मेल फंगल हाइफी, जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं फीमेल फंगल फीमेल हाइफी। क्या बोलते हैं? फीमेल हाइफी। मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथीरिडियम। क्या कहते हैं? एंथीरिडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं जो फंगल हाइफी पे ही बनता है, फीमेल फंगल हाइफी पे बनता है, क्या बोलते हैं? ऊगोनियम। क्या कहते हैं? ऊगोनियम। क्या कहते हैं भाई? ऊगोनियम कहते हैं। ठीक है, तो एंथेरिडियम जो है ना, एंथेरिडियम ये बनाता है मेल न्यूक्लियस को। किसको बनाता है? मेल न्यूक्लियस को, जो हैप्लॉयड होता है। और ओगोनियम जो है वो फीमेल न्यूक्लियस को बनाता है। ये भी क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। क्या होते हैं भाई? हैप्लॉयड होते हैं। दोनों के फ्यूजन को क्या कहते हैं? अभी बताया ना, मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस कैसे बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? मियोसिस से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भाई? मियोसिस से बन जाएगा। फिर देखेंगे यहां पर। तो ये बनाएगा मेल न्यूक्लियस, ये बनाएगा फीमेल न्यूक्लियस, और इस कंडीशन को कहते हैं प्लाज्मोगैमी। क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी। दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या कहलाएगा? प्लाज्मोगैमी कहलाएगा। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होता है? कैरियोगैमी होता है। क्या होता है? कैरियोगैमी से क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट में क्या होता है? मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस से क्या बनता है? बोलो ना, बहुत सारे स्पोर्ट्स बनते हैं। क्या बनते हैं भाई? बहुत सारे स्पोर्ट्स बनते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्मिनेट करेंगे। क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे। फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड कंडीशन मिलेगा, तो जर्मिनेट करेंगे और बनाएंगे माइसीलियम। क्या बनाएंगे? माइसीलियम। और माइसीलियम फिर से ग्रोथ करेगा ऐसा करके। माइसीलियम में बहुत सारा हाइफी होगा, हाइफी में बहुत सारा फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन में एंथेरिडियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन ओगोनियम। एंथेरिडियम मेल गैमेट को बनाएगा, मेल न्यूक्लियस को बनाएगा, और ओगोनियम फीमेल न्यूक्लियस को बनाएगी, यानी कि फीमेल न्यूक्लियस को बनाएगी। फिर से दोनों का फ्यूजन होगा, प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, फिर जाइगोट बनेगा, और फिर इसमें मियोसिस होगा। इसी तरह से साइकिल चलता रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें? फंजाई में। किसमें? फंजाई। अगले क्लास में देखो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं फंजाई किंगडम। क्या पढ़ रहे हैं? फंजाई। क्या पढ़ रहे हैं भाई? किंगडम फंजाई। किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम या डिवीजन आता है। इसके बाद आता है क्लास। क्या आता है? क्लास। तो फंजाई किंगडम में हमको इसका डिवीजन या फाइलम नहीं पढ़ना है, हमको सीधा क्या पढ़ना है? क्लास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्लास पढ़ना है। तो फंजाई का मेनली फोर क्लास होता है, चार क्लास होता है। कितने? फोर क्लासेस होते हैं, जैसे कि फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। क्या? ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो अगले क्लास में हम शुरू करेंगे फंगल क्लास। ठीक है, ये क्लास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, माइसीलियम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे बनाया गया, जो अगले क्लास में देखेंगे। तो अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट डिफरेंट क्लास, फंगल क्लास। ठीक है, कौन कौन सा क्लास है? फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। क्या? एक बार फिर से, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो डिफरेंट क्लास पढ़ लेंगे, उसके बाद फंगल फंजाई किंगडम अपना खत्म हो जाएगा। उसके बाद किंगडम फंजाई के बाद क्या शुरू करेंगे? बोलो ना, प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन, फिर एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेंगे, फिर फंजाई, सॉरी, फिर वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेन, ये सब पढ़ना। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी समय है चैप्टर खत्म होने में। आपको क्या करना है? आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, बार बार एनसीईआरटी पढ़ना है। कोई डाउट है तो पूछना है। आज के क्लास में अगर कोई डाउट है तो आप उसको जरूर पूछिएगा। क्लियर?